पनीर बनाने के लिए आज ऐसी मशीन्स का सेटअप लेकर आए हैं जिनका यूज करके आप सिर्फ एक घंटे में 1.5 क्विंटल से अधिक, जी हाँ बिल्कुल 1.5 क्विंटल से अधिक पनीर तैयार कर सकते हैं और इनको पैक करके मार्केट में बिल्कुल ताजी और फ्रेश पनीर बेच सकते हैं। इसको बनाने और पैक करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत को ही कम करने और अधिक क्वांटिटी में दूध बॉयल करने के लिए हम मिल्क बॉयलर लेकर आए हैं जिसकी कैपेसिटी 1000 लीटर की है। इसका मतलब ये है कि आप एक बार में 1000 लीटर दूध बॉयल कर सकते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग बॉयलर में दूध बॉयल कर रहे हैं जिससे कि 2000 लीटर दूध एक साथ ही बॉयल हो जाएगा। वैसे इतना ही दूध यदि कढ़ाई में बॉयल किया जाए तो बहुत सारे कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी और दूध चलाने के लिए काफ़ी वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन दोनों बॉयलर में सिर्फ दो वर्कर्स की ज़रूरत है जो कि आसानी से दूध भी चला लेंगे और यही दो वर्कर पनीर भी तैयार कर लेंगे। इस बॉयलर को चड्ढा सेल्स कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। जैसे ही दूध थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, इसमें उबाल आने लगे, तो स्प्लिट करने के लिए आप विनेगर या फिर लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि विनेगर का टेस्ट थोड़ा हार्ड होता है जो कि पनीर में लंबे समय तक बना रहता है, तो इसमें आप लेमन जूस डाल दीजिए। इसे डालने के बाद जैसे ही कुछ देर उबालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर धीरे धीरे येलोइश होने लगा है। इसका मतलब ये है कि मिल्क सॉलिड्स स्प्लिट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसको चलाते हुए एकदम प्रॉपर हीट में पकाना है जिससे कि दूध बॉयलर में जमे नहीं और इसमें जो मिल्क सॉलिड्स हैं वो अच्छे तरीके से स्प्लिट हो जाएं। नींबू डालने के बाद इसमें बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है और काफ़ी तेज़ी से मिल्क सॉलिड्स स्प्लिट होने लगते हैं। बॉयलर में नीचे यहाँ पर नोजल लगा हुआ है, इसे ओपन कर लीजिए। निकालने के लिए आप कॉटन कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, इससे कि मिल्क सॉलिड्स कपड़े में आ जाएगा और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे कंटेनर में चला जाएगा। नीचे नोज़ल लगे होने का फ़ायदा यही है कि आपको अलग से निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे ही नोज़ल ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा मटेरियल बाहर आने लगेगा। वैसे आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी अच्छी तरीके से बॉयल हुआ है और इसका जो भी पानी है वो एकदम से अलग हो गया है। इस पानी को वेस्ट नहीं करना है। इसमें 0.5% से लेकर 1% तक फैट होता है, तो आप सेपरेटर का यूज़ करके इसे निकाल कर इसका भी बिजनेस कर सकते हैं। अभी यह जो मिल्क सॉलिड्स हैं इनको छोटे छोटे कंटेनर में रखा जाएगा जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। इस पूरे मिल्क सॉलिड्स को निकाल कर इन्हें कंटेनर में भर लीजिए। अब इनके ऊपर कोई भजनी चीज़ रख दीजिए या फिर आप चाहें तो बाट वगैरह रख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं कि बाट रखने से किस तरह बूंद बूंद करके पानी निकल रहा है। हालांकि पानी निकलने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा और तब जाकर यह पूरी तरीके से सूखेगा, लेकिन यदि आप मिनटों में ही पानी निकालना चाहते हैं तो आप टेक्नोमोंड कंपनी की इस ऑटोमेटिक पनीर प्रेस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ कपड़े में भर कर यहाँ मशीन के नीचे रख दीजिए। रखने के बाद इसके ऊपर एक प्लेट भी लगा दीजिए। उसके बाद जैसे ही मशीन ऑन करेंगे तो इसके हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल निकल जाएगा। इसमें बटन दबाते ही 2 घंटे का काम बस कुछ ही सेकंड में हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक मशीन है और इसके हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण पनीर में बिल्कुल भी पानी नहीं बचता है। इसका यूज़ करने से आपको लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा और बस 1 मिनट में, जी हाँ बिल्कुल सिर्फ 1 मिनट में पनीर से पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा। अभी यह जो पनीर तैयार हुआ है इसको लगभग 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए जिससे कि यह बिल्कुल अच्छी तरीके से जम जाए, और जैसे ही आप निकालेंगे तो बिल्कुल जमा हुआ कुछ इस तरह का पनीर बाहर निकलेगा। अब इसको ठंडे पानी में धो लेंगे जिससे कि पनीर में जो भी लेमन जूस होगा वो बाहर निकल जाएगा। धुलने के बाद आप देख सकते हैं कि एकदम फ्रेश ताज़ा पनीर रेडी हो गया है। यदि आप छोटे लेवल में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के सभी होटल या फिर डेयरी में इनको सेल कर सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल में सेल करने के लिए इनको पैक किया जाता है जिससे कि पनीर की क्वालिटी लंबे समय तक मेंटेन रहे। और मेंटेन रखने के लिए आप इस वैक्यूम पैकिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं जो कि पनीर पैकिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो सबसे पहले पनीर इस पॉलीथीन में डाल दीजिए और इसमें भरने के बाद जैसे ही आप इसे मशीन के अंदर रखेंगे तो मशीन पैकेट में जो भी ऑक्सीजन है उसे निकाल देगी। ऑक्सीजन निकालने से पनीर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और लंबे समय तक इसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। ये मशीन तो बड़े साइज में पैक कर रही है जो कि होटल या फिर डेयरी बिजनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी, लेकिन यदि आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना चाहते हैं तो उनको इतने बड़े साइज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटे पैकेट्स बनाने पड़ेंगे। तो इन पैकेट को रेडी करने के लिए सबसे पहले यूज़ में आएगी ये पनीर कटिंग मशीन,
क्योंकि यदि कटिंग नहीं होगी तो छोटे साइज में पनीर कैसे तैयार होंगे। ये फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक मशीन है, इसमें आप सिर्फ पनीर रख दीजिए और सबसे पहले यह मशीन इसको आगे बढ़ाते हुए इससे एक लेयर निकाल देती है, जिससे कि पनीर बिल्कुल लेवल में हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इससे एक लेयर बाहर निकल रही है। अब जब यह लेवल में हो जाए तो अगले रो में इसकी कटिंग होती है। यहाँ पर यह आगे बढ़ता है और इसमें जो कटर लगा है वो पीस बाय पीस पनीर कट कर देता है। यहाँ जिन पीस की कटिंग हो रही है इनका साइज बिल्कुल बराबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई छोटा है या फिर कोई बड़ा है। ये सभी मशीन्स पनीर बनाने और पैक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। यदि आप मशीन्स का रेट वगैरह जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप एक बार कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि एकदम बराबर साइज में इसकी कटिंग हो रही है। अब जब इसकी कटिंग हो जाए तो पैकिंग करने के लिए आप सैम पैक मशीन्स की वैक्यूम पैकिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। इसके द्वारा छोटे पैकेट्स में पैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। पनीर को एल्युमिनियम पैकेट में डाल दीजिए। डालने के बाद पैकेट जैसे ही मशीन में लगाएंगे तो यह ऑक्सीजन निकाल कर इसे सील कर देगी। यहाँ देखिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल सील हो गया। अभी आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है और एकदम अच्छी तरीके से सील भी हो गया है। अब इसकी क्वालिटी काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन रहेगी और आप चाहें तो इसे ऑल ओवर इंडिया में भी बेच सकते हैं। इन सभी मशीन्स का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से कई क्विंटल पनीर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार आप हमारे चैनल न्यू टेक इंडिया में विजिट करिए। वैसे तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि यहाँ पर चाहे बात की जाए पोहा इडली डोसा की या जलेबी चाय समोसा की, हर एक एक चीज़ बनाने की ऑटोमेटिक मशीन्स अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार इन सभी मशीन्स को देखिए, जो कि आपके बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ देने वाली हैं। चलिए मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार पिज्जा मेकिंग मशीन वीडियो में, जो कि बिल्कुल डिलीशियस पिज्जा तैयार कर देती है।